बीएमसी की कार्रवाई की शिकायत लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास पहुंची कंगना, करीब एक घंटे तक मुलाकात। कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से लगाई इंसाफ की गुहार, कहा मेरे साथ अन्याय हुआ, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना की राज्यपाल से मुलाकात को शिवसेना ने नहीं दिया भाव, संजय राउत बोले और भी हैं कई मुद्दे। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग रहते हैं, अगर किसी को लगता है कि मुझे तमाशा ही करना है किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में तो करते रहेंगे, उसके पीछे हम क्यों भागे। हरियाणा के सोनीपत में कंगना के समर्थन में करणी सेना की महापंचायत, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को चेतावनी। तेलंगाना तक सुनाई देने लगी कंगना मामले की गूंज, हैदराबाद में करणी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन, शिवसेना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। मुंबई में कंगना से मिलने करणी सेना के अध्यक्ष पहुंचे, बॉलीवुड अभिनेत्री के घर सुखदेव सिंह की मुलाकात। कंगना को मिला सूरत के कारोबारियों का साथ, सपोर्ट कंगना लिखवाकर प्रिंट करवाई शादी। वाराणसी में शिवसेना के खिलाफ अजीबोगरीब प्रदर्शन, उद्धव और संजय राउत की तस्वीरों को दिया इलेक्ट्रिक शॉक। कंगना के खिलाफ पैंथर सेना ने खोला मोर्चा, मुंबई में बॉलीवुड हीरोइन के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। टोल बढ़ता जा रहा है, मुंबई में नेवी ऑफिसर की पिटाई का मामला, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मदन शर्मा से मुलाकात की और मदन शर्मा जी ने भेजा ये मतलब उद्धव ठाकरे जी का सम्मान बढ़ाने के लिए, शिवसेना का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था, उसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। आडवाले की पार्टी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कंगना और नेवी के पूर्व अधिकारा हवाला देकर राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाने की मांग की। मदन शर्मा ने शिव सैनिकों की गुंडागर्दी को लेकर उद्धव पर साधा निशाना, कहा इस्तीफा दें उद्धव ठाकरे। अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको रिजाइन देना चाहिए, रिजाइन दीजिए प्लीज, आपको बार बार मैं प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा, रिजाइन दीजिए प्लीज। शिवसेना कार्यकर्ताओं की हरकत पर सफाई, कहा सरकार को या पार्टी को नहीं थी इस बारे में कोई भी जानकारी। लेकिन ये कोई सोच समझ कर ये हमला नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर ये लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय है और जब ये हादसा हुआ तो किसी को मालूम भी नहीं था सरकार में या हमको नहीं मालूम था, मैं तो दिल्ली में था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना मदन शर्मा मामले पर सादी चुप्पी, कहा खामोशी को न समझे मेरी कमजोरी। मुंबई में मदन शर्मा की पिटाई के खिलाफ सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने खोला मोर्चा, बयान में उद्धव ठाकरे पर लगाया गुंडागर्दी बढ़ावा देने का आरोप। कोरोना संकट के बीच कल से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र, लोकसभा स्पीकर ने लिया तैयारियों का जायजा। आज सभी दलों के नेताओं ने संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है, मुझे आशा है ये संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले हड़कंप, 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव, सदन में कोरोना पर बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कोरोना संकट के बीच आर्थिक मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद बोले बेहद जरूरी है चर्चा करना। जीडीपी इतना नीचे गिर गया है, उसके कारण क्या है, उस जिसके चलते आज बेकारी बेरोजगारी पूरे देश में है, उद्योग सब बंद हो गए, इस पर चर्चा करना जरूरी है। 1 अक्टूबर तक चलेगा मानसून सत्र, सरकार को 11 अध्यादेश पर लगवानी है संसद की मुहर। कोरोना संकट को देखते हुए संसद सत्र के लिए विशेष इंतजाम, सभी सांसदों को कोविड टेस्ट कराना होगा जरूरी, दूर दूर बैठने की गई है व्यवस्था। फिर से एम्स में भर्ती हुए गृह मंत्री अमित शाह, कोरोना से उबरने के बाद रेगुलर चेकअप की कवायद। यहीं रहे दिग्गज आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, कोरोना की वजह से दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। 10 सितंबर को रघुवंश बाबू ने आरजेडी से दिया था इस्तीफा, लालू प्रसाद ने नामंजूर कर दिया था इस्तीफा।
रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू प्रसाद ने दी श्रद्धांजलि, कहा आपसे मैंने कहा था आप कहीं नहीं जा रहे लेकिन इतनी दूर इतनी जल्दी चले गए। रघुवंश बाबू के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, राष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। पटना में आरजेडी दफ्तर में रघुवंश बाबू को दी गई श्रद्धांजलि, पार्टी के नेताओं ने किया उन्हें याद। बिहार में आरजेडी ने जारी किया चुनावी गाना, तेजस्वी बोले संसाधनों की कमी के बावजूद किसी समर्थन ने किया है शानदार काम। तेजस्वी को चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतरी आरजेडी, पोस्टर से गायब हुआ लालू और सामाजिक न्याय का नारा। चुनाव से पहले बिहार को केंद्र की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन, कहा आत्मनिर्भर बन रहा है बिहार। कोरोना संकट के बीच बिहार में गरमाया चुनावी माहौल, प्रचार में इस्तेमाल के लिए मास्क बनवा रही हैं राजनीतिक पार्टियां। बोधगया पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पर साधा निशाना, कहा कंगना से नहीं कोरोना से लड़े उद्धव। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की रैली, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मध्य प्रदेश में जोरों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक प्रचार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में शिवराज और सिंधिया पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनावी प्रचार, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद। भिंड में सिंधिया का विरोध, रैली के दौरान जमकर सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, पुलिस थाने पर हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। हमारे देश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही, पिछले 24 घंटों में सामने आए 94,000 से ज्यादा मामले, 47,54,000 के पास कुल आंकड़ा। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 1,114 लोगों की जान गई, अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 10,37,000 पर कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा मामले, कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली में कोरोना हो चुका है बेलगाम, 24 घंटों में 4,200 नए मामले, 29 की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 2,00,000 के करीब कुल आंकड़ा। बिहार में 24 घंटों में 1,200 से ज्यादा नए मरीज, 1,56,000 के पास कुल तादाद। कोरोना संकट के बीच करीब 16,00,000 छात्रों ने दी एनईईटी की परीक्षा, एनटीए जल्द करेगा ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण, मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत। बिहार में रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने जताया शोक, बोले समाजवादी नेताओं का मनोबल टूटा। लेह में बदल रहा है एयरपोर्ट का रंग रूप, मल्टी लेवल टर्मिनल बना रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से जबरदस्त मुठभेड़ जारी है, घर में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर। मध्य प्रदेश के भिंड में खजाने की खोज में 2 लोगों की मौत, खेत में खुदाई के दौरान मर गए। नोएडा में कार चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 13 कारों के साथ 6 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, बंदूक बनाने के उपकरण के साथ 1 गिरफ्तार। सेंट्रल नेपाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की जानलेवा तबाही, 11 की मौत। मेरठ में एक फर्जी फौजी गिरफ्तार, शादी करने के उद्देश्य से वर्दी पहनकर इलाके में घूम रहा था। जम्मू कश्मीर में हिजबुल के आतंकवादियों ने नेताओं को दी राजनीति से दूर रहने की धमकी, कांग्रेस के दफ्तर में भेजी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने हथियारों के साथ 2 को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स चोरी करने वाला गिरोह, 4 गिरफ्तार। मेरठ में एक मकान की छत गिरने से मलबे में दब गए एक ही परिवार के 5 सदस्य, 1 महिला की मौत। यूपी के रायबरेली में अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या से हड़कंप, अवैध संबंध में हत्या। सवाई माधोपुर में चंबल की तेज धार में बह गए 4 लोग, 3 का रेस्क्यू, 1 की तलाश जारी। दिल्ली में सरेआम गोली मारकर एक शख्स की हत्या, बाइक सवारों ने बेहद नजदीक से मार दी गोली। दिल्ली पुलिस ने 5,00,000 के इनामी गैंगस्टर धवल त्रिवेदी को दबोचा, हिमाचल के 32 से गिरफ्तारी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी के दौरान हुक्का बार का खुलासा, 5 गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में 3 साल की बच्ची की जमीन पर पटक पटक कर हत्या, नशे की स्थिति में पिता ने मार डाला। मेरठ में पुलिस के विरोध में लोगों ने लगाया जाम, 2 परिवारों के झगड़े में गर्भवती महिला को चोट लगने के बाद विवाद। हरियाणा के सोनीपत में आपसी रंजिश में चला चाकू, 2 की मौत, 2 घायल। राजस्थान के बदर भरतपुर में महिला से रेप, नौकरी दिलाने के नाम पर 2 दिन तक रेप किया। यूपी के मेरठ में शराब तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। यूपी के हापुड़ में मावा बनाते वक्त फट गया बॉयलर, 20 घायल सामने आई, खाद्य विभाग की लापरवाही। बाबा की नगरी शिरडी में बारिश का कोहराम, अस्पताल के गेट तक पहुंच गया बाढ़ का पानी। दिल्ली के बाजारों पर कोरोना का असर, संडे होने के बाद भी सरोजनी नगर में ग्राहक नहीं दिखे। कर्नाटक में भारी बारिश ने लोगों की जेब पर डाला बोझ, आसमान पर पहुंची टमाटर की कीमत। कोरोना के कारण रामलीला पर मंडराया संकट, शुरू हुई ऑनलाइन रामलीला की तैयारी। 4 महीने के बाद बद्रीनाथ यात्रा के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही आपको मिलेगी इजाजत। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, 351 रुपए में 100 GB डाटा मिलेगा। पीएफ अकाउंट में जल्द आने वाला है ब्याज का पैसा, मिक्स्ड कॉल और SMS से चेक किया जा सकता है आपका अकाउंट बैलेंस। 14,000 नए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाएगा HDFC बैंक, अगले साल मार्च तक नियुक्ति की योजना। कोरोना की वजह से परेशान टूरिज्म सेक्टर के त्योहारों में वापसी की उम्मीद, दशहरा दिवाली की छुट्टियों में उमड़ सकते हैं पर्यटक। ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट, $1 के मुकाबले 2,62,000 रियाल का हुआ आंकड़ा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सड़कों पर उतरी हजारों महिलाएं, बच्चों के सामने विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पिछले 2 महीनों में बारिश ने पाकिस्तान में जमकर मचाई तबाही, अब तक 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, PM के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। इसराइल बहरीन शांति समझौते के खिलाफ फलस्तीन में विरोध प्रदर्शन, लोगों ने जलाए ट्रंप के पोस्टर। इसराइल में सरकार के विरोध में प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग हुई तेज। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन, मिंस्क में सड़कों पर उतरे करीब 10,000 लोग, ज्यादातर महिलाएं। लबनान में धमाके को लेकर जोरदार नाराजगी, बेरूत में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। चले गए राजधानी सैंटियागो में तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी। भूमध्य सागर में तेल की खोज को लेकर ग्रीस और टर्की के बीच तनाव, राष्ट्रपति एर्दोगन ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दी चेतावनी। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 2,90,00,000 के पास मरीजों की संख्या, 9,25,000 को पार कर चुका है मौत का आंकड़ा। अमेरिका में 66,76,000 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,98,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना संकट के बीच क्यूबा में 12 साल के लड़के का कमाल, तैयार किया वैक्सीन से वायरस को मात देने वाला वीडियो गेम। अमेरिका में फिर से मंडराया समुद्री तूफान का खतरा, फ्लोरिडा के समुद्री तटों की तरफ बढ़ रहा है ये तूफान। टर्की की राजधानी अंकारा में धूल भरी आंधी से मची भगदड़, मेयर के अनुसार कम बारिश होने की वजह से बदल गया मौसम का मिजाज। ब्राजील में शुरू हुआ जंगलों में लगी आग से जानवरों को बचाने का अभियान, लुप्त प्राय प्रजातियों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद।